हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी ब्रोकली का कोफ्ता, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आज हम लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बर्तन के ऊपर क्रशर रखेंगे और ब्रोकली को इस तरह से घस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे ब्रोकली को मैं घस ली हूँ। फ्रेंड्स, ब्रोकली को छोटा छोटा टुकड़ा काट करके इस तरह से ब्रोकली का फूल वाला हिस्सा ही हम लोग घसेंगे, टाइट वाला नहीं। फ्रेंड्स, उबले हुए आलू लेंगे और हाथों के हेल्प से इस तरह से तोड़ लेंगे अच्छे से। आलू को मैं पहले ही उबाल ली हूँ और उबाल करके छिलका उसका सारा छुड़ा ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू को हम लोग इस तरह से तोड़ लेंगे। अब घसे हुए ब्रोकली में आलू को डाल देंगे एक साथ दोनों को, इसी तरह से सारे आलू डाल देंगे। अब हम लोग इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मसाले डालते हैं। एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़ा चम्मच बेसन, चने का बेसन लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे चीजों को हाथों के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और एक डो तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कटोरी में तेल लेंगे और हाथों में लगा करके चारों तरफ से इस तरह से हाथों में लगा लेंगे, और ब्रोकली के डो से थोड़ा थोड़ा इस तरह से ले करके हाथों में उंगली की हेल्प से इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से सारे ब्रोकली के डो को राउंड शेप दे करके इस तरह से कोफ्ता को बना लेंगे। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके डाल करके कोफ्ता को हम लोग फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए फ्रेंड्स, डीप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। डीप गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये देखिए हम लोग इसको निकाल लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही चटपटा लगेगा। इस तरह से बना के जरूर खाइएगा। अब दूसरी कढ़ाई में दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब गर्म हो जाए तो एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक कटोरी प्याज की प्यूरी, एक कटोरी टमाटर की प्यूरी, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे चीजों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मसालों को भूनेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और साथ में ही इसको भूनते हैं। फ्रेंड्स, हमारे मसाले जितने अच्छे से भुने रहेंगे ग्रेवी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट भुने के बाद हमारे मसाले कितने अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम लोग कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे। 1 से 2 मिनट होने के बाद ये देखिए धनिया की पत्ती भी सॉफ्ट हो गई है और मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें हम लोग 1 गिलास के लगभग पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा ग्रेवी पतला हो जाएगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा, इसलिए 1 गिलास ही पानी डालेंगे। अब इसको हम लोग उबाल आने तक पकने देते हैं। ये देखिए उबाल आ चुका है। अब इसमें हम लोग फ्राई किया हुआ कोफ्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, इस तरह से ट्राई जरूर करिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोफ्ता रेडी है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।